बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए आज से, एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 7/5 आगे एक्स फाइव भी है सर। वेल ब्रैकेट में पावर 3 है और बाहर 5 है, बहुत बड़ा घोटाला है। तो पहले तो ये करो, स्टेप में एक्स फाइव को तोड़ लो एक्स 3 और एक्स स्क्वायर में। अब ये जो ब्रैकेट है एक्स क्यूब प्लस वन, इसको मान लो जेड, डी जेड हो जाएगा 3x स्क्वायर dx, और अगर एक्स क्यूब को एक तरफ रखो तो हो जाएगा जेड माइनस वन के ऊपर। वेल अभी दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि क्या अब हम इसको जेड में फुली ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो जी हाँ, अब करना बहुत आसान है। मैं अब इसको कुछ इस तरह कर दूँगा, ये जेड की पावर 7/5 हो गया, एक्स क्यूब का मतलब है जेड माइनस वन। और देखो यहाँ मैं अगर 3 मल्टीप्लाई करता तो 3 डिवाइड भी करना पड़ता, 3x स्क्वायर dx पूरा dz हो जाएगा और बाहर 1/3 मौजूद है। अब ये जो z की पावर 7/5 है, z से भी मल्टीप्लाई होगी, माइनस वन से भी होगी। अच्छा यहाँ अगर z की पावर कुछ नहीं है तो क्या है, 1। पावर 7/5 और 1 आपस में ऐड अप हो जाएंगी, जो कि हो जाएगा z की पावर 12/5 माइनस z की पावर 7/5 डी जेड। जहन में रहे 1/3 को भी हमने नहीं छेड़ा ना, इंटीग्रेशन किया। अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, जब इंटीग्रेशन करेंगे और 12/5 में 1 प्लस होगा हो जाएगा 17/5। मैथ्स के रूल के तहत 17/5 से डिवाइड भी करेंगे, और वैसे यहाँ भी होगा, बड़ा सा ब्रैकेट बना दे या माइनस बना दे, जेड की पावर 7/5 है, इंटीग्रेशन करेंगे 12/5 और 12/5 से डिवाइड भी करेंगे। अब यहाँ ब्रैकेट में हम ओरिजिनल वैल्यू लिख सकते हैं, जो कि क्या थी जी, एक्स क्यू प्लस वन, लिख दीजिए, कोई हर्ज नहीं है, और लिख भी दी हमने। आखिर इसका फ़ायदा क्या हुआ, अब देखो ये उलट जाएगा, 5 ऊपर चला जाएगा और ये 5/17 हो जाएगा। चाहो तो ये 3 भी मल्टीप्लाई कर दो यार, 5/317 = 51, एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 17/5 माइनस, वाल ये भी ऐसे ही होगा, 12/5 है, 5 उल्टेगा, 12/3 मल्टीप्लाई हो गए 5/36, एक्स क्यूब प्लस वन की पावर 12/5, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी आएगा क्योंकि लिमिट का सवाल नहीं है मेरे भाई। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी।